point, huh? How much this one? 500. 400. 400 dong. Vietnam. Okay. टी शर्ट भी अच्छी है दोस्तों, अगर आपको कभी भी यहाँ पे आ रहे हैं इस मार्केट में तो यहाँ से ले सकते हैं। एंड हाउ मच? 250। हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम जा रहे हैं सेंट्रल मार्केट। आज हम देखेंगे कि मतलब वियतनाम कितना सस्ता और कितना महंगा है कपड़े वगैरह में। अगर कपड़ा वगैरह यहाँ से लेना हो तो आप ले सकते हैं। सुना है बहुत ही सस्ता है क्योंकि सारे के सारे जो कपड़े होते हैं यहीं से एक्सपोर्ट होता है। तो चलते हैं मार्केट के अंदर, सेंट्रल मार्केट व्यू वैन स्ट्रीट के पास ही है और वहाँ पे जाके देखते हैं, प्राइजेस भी पूछते हैं क्या रेट है क्या नहीं है। अब वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। ज़्यादा दूर नहीं है, मैं पहुँचने वाला हूँ, अपने लोकेशन से जा रहा हूँ, मैप के लोकेशन से। तो वीडियो बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। थोड़ी दूर पर पहुंचने वाला हूँ। यार मेरा लैपटॉप खो गया यार, मैं बता रहा हूँ, मेरा सारा का सारा डाटा चला गया है। अब मैं दो दिन में पूरा का पूरा कैप्चर नहीं कर पाऊँगा, मुझे पता है। मुझे चाहिए था तुरंत वीडियो अपलोड कर देना चाहिए था, एक्चुअली मैं टाइम ही नहीं था मेरे पास। हम कहें वीडियो बनाएंगे बाद में एडिटिंग करेंगे। मुझे पक्का यकीन है या तो वो दो इंडियन और तो ऊपर एक कोरियन या चाइनीज था वो, उसी से हो सकता है वो। ओह शिट, उसी से हो सकता है वो, वही तीनों में से कोई एक मेरा लिए होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, आपको दिखाएंगे कुछ इस तरह का नज़ारा है। हम पहुंच गए हैं सेंट्रल मार्केट। अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या क्या रेट है क्या क्या प्राइस है, वो आपको ही पता चल जाएगा। ज़्यादा दूर पे नहीं हूँ मैं, तो ये रोड के उस पार जाना पड़ेगा, क्रॉस कर लेते हैं भाई, थोड़ा देर वेट करेंगे। अभी रोड क्रॉस करना है दोस्तों हमको, तो मेमोरी कार्ड भी लेना है हमको, मेमोरी कार्ड भी लेना है और हमको अभी क्या बोलते हैं पेन ड्राइव हो सकता है ले लूं। मैं पहुंच गया हूं सेंट्रल मार्केट। तो सबसे पहले देख सकते हैं टैका, इसका नाम है सेंट्रल मार्केट टैका, ठीक है। नीचे जाता हूँ और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है भाई, जैसे कि मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ बट क्या बताएं। यहाँ पे एक्चुअली में वियतनाम में सारी जगह आपको लड़कियाँ ज़्यादा वर्क करती हुई मिलेंगी और ये कुछ इस तरह का है जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे इसके सामने जाएंगे सेंसर से इसका दरवाज़ा खुल जाता है अपने आप। सबसे पहले मैं आपको एक राउंड मारूंगा, दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल रहा है, उसके बाद रेट वगैरह भी पूछूँगा। जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे चश्मे हो गए, कपड़े हो गए, लेडीज़ हो गए, एक्चुअली में लेडीज़ ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगी, और हैट हो गए, ज्वेलरी हो गई, आर्टिफिशियल हो गया, ये सारे के सारे लेडीज़ आइटम आपको ज़्यादा मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको लेडीज़ ज़्यादा भी दिखेंगी। तो ये पर्स वगैरह यहाँ पे बहुत है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अपना रेट भी लिख के रखे हुए हैं। हालांकि मैंने कुछ टच किया, कुछ चीज़ें कॉस्टली है, कुछ चीज़ें सस्ती हैं। तो गाइस मैं सेंट्रल मार्केट में आ गया हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ब्रांडेड कपड़े वगैरह आपको सस्ते मिल जाएंगे। एक लॉकडाउन का टी शर्ट मतलब 300 कुछ रुपये में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हेलो,
डिवाइस डिवाइस की पॉइंट है। हाउ मच दिस वन? 500 400 400 डॉम बैठना। ओके टी शर्ट भी अच्छी है दोस्तों, अगर आपको कभी भी यहाँ पे आ रहे हैं इस मार्केट में तो यहाँ कर ले सकते हैं। एंड हाउ मच? 250। ओके थैंक यू। मार्केट तो बहुत ही बड़ा है दोस्तों, घूमते रह जाएंगे इसमें। देखता हूँ मुझे क्या पसंद आता है, हालांकि मैं पहले से ऑलरेडी एक ले चुका हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको देख सकते हैं रेट 80 के, ठीक है। हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया, अब वो 450 बोला है ना, उसका मतलब ये नहीं 250 टॉम, एक्चुअली में वो 250 मतलब 250,000, वो के लगाना भूल जाते हैं, तो ये आप कंफ्यूजन ना होइएगा। अब ये 400 बताया ना, वो जो मैंने पूछा था, तो उसका मतलब 400,000, 100,000 में 350 ऐसे कुछ रुपया होता है, घटता बढ़ता रहता है, वो आप काउंट कर लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ इस तरह का ज्वेलरी वगैरह है, मैंने बताया ना लेडीज़ आइटम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो आप ले सकते हैं। हालाँकि मैं गलत जगह लगता हूँ, अब यहाँ थोड़ा बैक हो जाता हूँ। यहाँ पे जीन्स वगैरह यहाँ पे $300 ठीक है। अब यहाँ पे आगे देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे जूते वगैरह भी आपको यहाँ पे सस्ता भी है, अगर आप इस मार्केट में आते हैं तो काफ़ी सारे शॉपिंग कर सकते हैं। जूते वगैरह यहाँ पे सस्ते हैं दोस्तों, ब्रांडेड, वो भी पूमा वगैरह का 1,000 रुपये में ले सकते हैं। मैं कुछ ख़रीद नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास केविन बैग है दोस्तों, इस वजह से मैं ले नहीं जा सकता हूँ यहाँ से, 7 किलो से ज़्यादा मैं पहले से ही लेके आया हूँ। तो गाइस यही सब था मार्केट में, मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे पास 2 दिन है और बहुत सारी जगह भी जाना है, सब कुछ फिर से दोबारा से बना रहा हूँ। और क्या बताऊँ मैं आपको, वही सारा डाटा लॉस कर दिया अपना। सबसे पहले हॉस्टल जाएंगे, बारिश भी होने वाली है। तो गाइस कपड़े हो गए, जूते हो गए, मोजे हो गए, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे आके खरीद सकते हैं। हाँ मैंने एक चीज़ पूछा था उस वीडियो में, मेरे पास वीडियो था iPhone 13, याद नहीं मुझे कितने का था, लेकिन इंडिया से बहुत सस्ते में था, हो सकता है आईफोन 14 भी आ गया हो। दोबारा मैं जाऊंगा वहाँ पे, बात करूंगा, देखूंगा आईफोन 14 प्रो मैक्स यहाँ पे क्या रेट है। एक्चुअली मैं यहाँ पे और वियतनाम में बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाएगा। ओ Cool. हेलो के चक्कर में, कैमरे के सामने आने के चक्कर में रोड पे ही सब गिर गए बच्चे। ऐसा है तो हम आ गए हैं घूमते यहाँ। नाउ प्रॉब्लम, वाओ गुड। अभी मैं हॉस्टल की तरफ जाने वाला हूँ।